तो मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप? आज मेरे हाथ एक खजाना लगा है, यादों का एक पिटारा, मेरी यादों का पिटारा। 2021 चल रहा है और मुझे आज अपने घर की सफाई के दौरान, दरअसल मेरी सिस्टर आई हुई हैं तो वो सफाई कर रही थी, उन्हें ये मिला। ये 2005 या 6 में मैंने खरीदी थी और तब मेरे पास एक सीडी प्लेयर हुआ करता था और मैं वो सीडी प्लेयर कैसे कैसे जुगाड़ करके 2000 रुपए में लेकर आया था। लोकल था हालांकि वो, और तब मैं बड़े शौक से लाया था। और ये, और उस वक्त मैं माइकल जैक्सन का फैन हुआ करता था, तब थोड़ा डांस सीखने का क्रेज लगा हुआ था तो माइकल जैक्सन को बहुत सुनते थे। तो माइकल जैक्सन के इस पे मुझे याद है कि मैंने इनमें से जो बाकी 3 स्टार्स हैं इनके लिए मैंने नहीं ली थी, सिर्फ एमजे के लिए मैंने ली थी ये। तो आज भी ऐसी की ऐसी है, खराब हो गई है अब तो, पता अगर सीडी प्लेयर होगा तो शायद चले, लेकिन दिल देखकर इसे खुश हो गया एकदम। पुराना दौर, वो कितना अच्छा दौर था तब, ये डिजिटलाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी ज्यादा हर तरफ हेट नहीं थी, और आज लोग म्यूजिक में मस्त थे, काम में मस्त थे। और ये देखिए, एक ये एकोन भाई साहब, तब हम एकोन से रूबरू हुए थे, हमने उन्हें पहली दफा सुनना शुरू किया था एकोन को, और तब ये हम सीडी लग रहे थे। इसमें एकोन है और डीडो है, डीडो को मैंने बाद में काफी सुना, और ये हिप हॉप में कौन है मैं इनको जानता नहीं हूं, तो उस वक्त मैं इतना पहचानता नहीं था। तो ये देखिए, ये साली जिंदगी, साथ खून माफ, बॉलीवुड मूवीज, बैड प्रिंट्स, मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हुआ करता था, लगभग 2500-3000 थी, तो मैंने ऐसे एक इंसान को दे दी थी यूं ही। तो ये पता नहीं मैं भूल गया होऊंगा, तो ये निकली है वेलकम 2009 हिट्स, ये 2009 में लाया था मैं, माफ कीजिएगा। हाँ ओके, याद आया, एकोन को पहली दफा मैंने आईपीएल का जो पहला आईपीएल था, उद्घाटन हुआ था, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, वहां सुना था, और फिर एकोन की सीडी में लेकर आया था। और उसके बाद अब बेचारे हैं नहीं इस दुनिया में, लेकिन मेरे सबसे पसंदीदा पहला वो इंसान जब मैं जिसके मैंने इंग्लिश गाने सुनने शुरू किए थे, वन एंड ओनली एमजे, माइकल जैक्सन। और इनमें इनकी सारी एल्बम्स यहां पर हैं, बैड, बेन, थ्रिलर, वाह वाह वाह, और द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ द वॉल, जैक्सन हिस्ट्री, ये बड़ी शानदार एल्बम है, हिस्ट्री कंटिन्यूज। और सबसे जो मुझे पसंद है, मैं पर्सनली बताऊं तो बैड और थ्रिलर बड़े पुराने एल्बम है और बहुत पसंद है। हालांकि इन सब एल्बम्स में भी कई ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद थे। सच में यार, ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू टू द सिस्टर जिन्होंने ये ढूंढ के दिया। और यादों का एक पुराना दौर ताजा हो गया, एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है, उस वक्त हम कुछ और थे, आज कुछ और हैं। ठीक है साथियों, बाय बाय।